आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। आप कितने दिन से पदयात्रा में जुड़े हुए हैं? हम 21 तारीख से। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाना, मूल्यों से अपने देश को मुक्त कराना, बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ाना, जो रेप हो रहा है, कांड हो रहा है, काट दे रहे हैं और लव जिहाद कर रहे हैं, उसे हम लोग को मुक्त कराएंगे हमारे गुरुदेव, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे साथ में हम अकेले आए हैं अपने परिवार से। अच्छा, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सुधर जाओ जी, नहीं तो उधर जाओगे। अच्छा, आप ये बताइए कि महाराज जी को ये यात्रा का शुभारंभ क्यों करना पड़ा? करना पड़ा क्योंकि हिंदू लोग सोए हैं। अच्छा, इसलिए जगाना पड़ रहा है हम लोग को। जैसा बन जाएगा फिर। अच्छा, आपके कहने का मतलब कि अगर अभी हिंदू नहीं जागेंगे तो बांग्लादेश जैसा अभी नहीं तो बहन बेटी को देखा नहीं जाएगा फिर। अच्छा, अभी नहीं तो ये कहना है हमको, सब जागो हिंदू, सब हिंदू एक ही भाई हो जी। बिल्कुल, यात्रा में कितनी संख्या में श्रद्धालु जुड़े हुए हैं? कम से कम करोड़ों की संख्या में। तो आप हमारे भक्तों को ये बता दीजिए, जो दर्शक हैं देख रहे हैं कि जो ये जनसैलाब हम देख पा रहे हैं, वो आखिर कौन लोग हैं जो महाराज जी के साथ में चल रहे हैं? हम बहने सड़कों पे लिख रही आई, सो वो भाई से ये बोलना चाहते हैं, तुम भी लिख रहे हो, क्यों सो रहे हो हिंदू भाई? जागो जागो हिंदू जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं तो जागो। हम रांची झारखंड से भाई जी। आप कितने दिन? हम मतलब मैं 2 साल हो गई मुझे जुड़े। अच्छा, 2 साल जुड़े। बागेश्वर धाम आप किसी मन्नत को लेकर आए थे या फिर श्रद्धा? हाँ, मंगते मन के आए थे कि ना श्रद्धे से जुड़ गए, भक्ति भाव हो रही है, सेवा भी लग रही है। इस यात्रा में कितने दिन से जुड़े हुए? मैं जब से स्टार्ट हुई 21 तारीख से। मैं व्यवस्था किस प्रकार की? बहुत अच्छी व्यवस्था। हाँ, बहुत अच्छे ने गुरुदेव ने सबकी व्यवस्था करवाए, इतनी बढ़िया करवाए कि उतनी बढ़िया तो कभी और होना ही नहीं था। हिंदू राष्ट्र को जगाने के लिए गुरुदेव पूरा कांच बिछाए हुए, जगहों को भी गुरुदेव ने सलट के यार जा रहे हैं। हम लोग को इतनी परेशानी बने, दिक्कत कुछ नहीं हुए। पब्लिक जनते ने गुरुदेव के लिए फूल बरसे कर रहे हैं, बहुत अच्छे उनके एकदम स्वागत कर रहे हैं। गुरुदेव के चलते पूरा हिंदू जग जाएंगे जी। बिल्कुल, आप बता दीजिए कि महिलाओं के लिए इस पदयात्रा में कैसी व्यवस्था की गई? बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है जैसे बिटिया लोग मायके जाती हैं तो खुवा वगत होती है, वैसे हम लोग की बहुत बहुत ज्यादा सेवा करी गई। जितने सेवादार थे सबने बहन की तरह स्वागत करा। कोई चीज हम लोग की खो जाती थी तो हम लोग की सब चीज प्रोवाइड कराई जाती थी, हर चीज, चाहे हम लोग कम्बल भूल जाए तो कम्बल भी दिया जाता था, हर चीज की व्यवस्था थी। जैसे लड़की मायके में रहती एकदम खुश, खाने पीने से लेके सोने में भी वो लोग देखे रहते थे कोई ऐसी घटना ना घटे जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, अप्रिय हो, जो जिससे हम लोग की ये यात्रा है उसको बदनामी हो। हम लोग बिल्कुल सुरक्षित जैसे घर से आए थे वैसे ही जा रहे हैं और हंसी खुशी आए थे, हंसी खुशी जा रहे हैं। चलिए, मैंने छोटे बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और किस लिए आए। तो कहाँ से आए हो भैया? बागेश्वर धाम से। कितने दिन पहले आए थे बागेश्वर धाम? 21 तारीख। 21 तारीख को आए थे, कहाँ जा रहे हो? ओरछा धाम। ओरछा धाम किस लिए जा रहे हो? पैदल यात्रा में जा रहे हो। थके तो नहीं हो? नहीं। भूख तो नहीं लगी है? नहीं। खाना मिला खाने को? मिला। और पानी मिला? तबीयत ठीक है? चलो ठीक है।